हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप लोग। मेरा नबील है। ये है iOS 16.5 का डेवलपर बेटा 3 जो एप्पल ने अभी अभी रिलीज किया है। कुछ ही टाइम हुआ है इसको और इसके बाद जो है पब्लिक बेटा वर्जन भी फॉलो होगा। अब ये जो अपडेट है इसमें क्या कुछ नया है, क्या कुछ इंपॉर्टेंट है, आगे आने वाले दिनों में जो iOS 16.5 का पब्लिक स्टेबल वर्जन आने वाला है उसमें क्या इस अपडेट की वजह से कुछ नया आएगा नहीं आएगा, वो सब हम चेकआउट करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका नाम जो कि iOS 16.5 डेवलपर बेटा 5 और ये अपडेट का जो साइज था ये था तकरीबन 600 MB के आसपास का, 600 to 700 MB के बीच में आपको अपडेट का साइज देखने मिलेगा अगर आप डेवलपर बेटा या पब्लिक बेटा 2 से अपडेट कर रहे हो। अगर आप iOS 16.4.1 से अपडेट कर रहे हो तो ये अपडेट का साइज जो है 5 GB तक भी जा सकता है। अपडेट से पहले मेरे iPhone 14 Plus में जो अवेलेबल फ्री स्पेस था वो तकरीबन 70 GB के आसपास था और अपडेट से पहले का जो मॉडेम फर्मवेयर था वो था 1.70.01। अपडेट के बाद यहाँ पे 500 MB के आसपास जो है अवेलेबल फ्री स्पेस घट गया है, ज्यादा नहीं है, कोई बात नहीं, वापस आ जाते हैं, हमको पता ही है। और अपडेट के बाद का जो बिल्ड नंबर है पहले E था, अभी जो है अपडेट के बाद F है और अपडेट के बाद आपको एक नया मोडेम फर्मवेयर भी देखने मिलेगा जो कि है 1.70.02। अब इस अपडेट में क्या कुछ नया है, तो यहाँ पे इस अपडेट में नया आपको कुछ देखने मिलेगा, माइनर बग फिक्सेस है। और अगर आप होम एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हो, होम पॉड वगैरह का इस्तेमाल करते हो, तो होम पॉड के जरिए से साउंड रिकॉग्निशन का भी ऑप्शन एप्पल ने एनेबल कर दिया है और ये अपडेट में नहीं, अगर आप स्टेबल वर्जन पे तब भी आपको देखने मिलेगा। तो उससे क्या है, अगर कोई फायर या वाटर इस टाइप का कोई साउंड आता है घर में तो आपको वो अलर्ट कर सकता है। इसके अलावा गाइस, जिन कंट्रीज के अंदर सैटेलाइट कनेक्टिविटी आईफोन 14 सीरीज के लिए जो है अवेलेबल है, वहां पे सैटेलाइट्स जो होंगे, जैसे एक सैटेलाइट गुजर जाता है तो दूसरा जो आने वाला है वो बता देगा ताकि आप इजीली उसकी तरफ पॉइंट कर सके। तो एक नया फीचर है जो फिलहाल कोड में है, आगे एप्पल इसको इंप्लीमेंट करेगा फाइनल स्टेबल वर्जन के अंदर, लेकिन अपने आप अभी तक सैटेलाइट कनेक्टिविटी अवेलेबल है ही नहीं। अब यहाँ पे इसके रिलीज नोट देख लेते हैं कि कौन से बग फिक्सेस यहाँ पे एप्पल ने किया है। तो ये है बेटा 3 iOS 16.5 का और यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यू फीचर्स के अंदर अ शेयर्ड एडमिनिस्ट्रेटर इन अ होम इज नाउ एबल टू पेयर एंड ऐड मैटर एक्सेसरीज। बहुत जमाने से जो है कहानी चल रही है मैटर एक्सेसरीज की, आप लोग यूज नहीं करते तो छोड़ दो उसको। और यहाँ पे रिजॉल्व इश्यूज में आप देख सकते हैं कि मैटर एक्सेस से रिलेटेड एक इशू यहाँ पे फिक्स किया एप्पल ने और पेयरिंग शेयर्ड बाय एडमिनिस्ट्रेटर जो फेल हो रही थी होम हब्स में वो भी यहाँ पे फिक्स कर दिया है। और सॉफ्टवेयर अपडेट मैटर एक्सेसरीज के अगेन जो है यहाँ पे फिक्स किया है और एडमिनिस्ट्रेटर जो शेयर्ड होते थे वो मैटर एक्सेसरीज को पेयर नहीं कर सकते थे, वो भी यहाँ पे फिक्स किया गया। तो आपके काम की कोई भी चीज नहीं है जो यहाँ पे रिजॉल्व हुई है, लेकिन फिर भी यहाँ पे माइनर चेंजेस है। एक्चुअली iOS 17 आने वाला है अभी, जिसकी वजह से एप्पल यहाँ पे कुछ भी अपडेट ज्यादा पुश नहीं करेगा, नए फीचर्स पुश नहीं करेगा। फिर भी सीरी के जरिए से आप कॉल रिकॉर्डिंग एक्टिवेट कर सकते हो, इस टाइप के जो फीचर्स है 16.5 बेटा 1 बेटा 2 में आपको बताया वो सारे इसमें भी देखने मिलेंगे और फाइनल वर्जन में भी आपको देखने मिलेंगे। इसके बाद हम सेटिंग्स में चलते हैं, यहाँ पे जनरल में जाते हैं, आईफोन स्टोरेज में चले जाते हैं और यहाँ पे स्टोरेज चेकआउट कर लेते हैं कि कोई स्टोरेज बग तो यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे आप देखते हैं स्टोरेज जल्दी से लोड भी हो गया, सिस्टम डेटा जो है यहाँ पे ना के बराबर दिखा रहा है, यहाँ पे शायद ये बफरिंग पे ही अटका रहेगा जैसे हमेशा रहता है। और मेरे फोन में 2-3 दिन के बाद अपडेट इंस्टॉल करने के बाद जो है ये बफरिंग बंद होती है, आपके फोन में ऐसा होता है नहीं होता मुझे कमेंट करके बताना। और यहाँ पे अगर मैं लेके जाऊँ तो देखिए -1 byte दिखा रहा है, मतलब सिस्टम डेटा ना के बराबर रहता है। जब बफरिंग बंद हो जाती है तो 300-350 MB का ही सिस्टम डेटा दिखाता है। एप्पल ने यहाँ पे अपने iOS के अंदर कुछ ऐसे फिक्सेस किया है जिसकी वजह से सिस्टम डेटा जो अदर्स वाला स्टोरेज हुआ करता था पहले, ये बहुत डेटा ऑक्यूपाई करता था, वो यहाँ पे अभी वैसा नहीं करता है। इसके बाद दोस्तों नेटवर्क रिसेप्शन वाईफाई वगैरह की बात करें तो अभी तो सारी चीज नॉर्मल चल रही है, एक नया मोडेम फर्मवेयर भी यहाँ पे आया है, तो नेटवर्क से रिलेटेड कोई इशू था होगा तो यहाँ पे एप्पल ने उसको फिक्स किया। बाकी एयर ड्रॉप, पर्सनल हॉटस्पॉट सारी चीजें जो है सही तरीके से काम करी, कोई मुश्किल यहाँ पे नहीं। अब जनरल परफॉर्मेंस और बेंचमार्क्स भी चेकआउट कर लेते हैं, तो यहाँ पे जो एप्लीकेशन मेरे फोन में है वो मैंने रन करके देखा, कोई इसमें मुश्किल पेश नहीं आ रही, सब चीजें नॉर्मल चल रही है। और रही बात यहाँ पे बेंचमार्क्स की, तो आपको गीगबेंच में लेके चलता हूँ, हिस्ट्री में जाते सीपीयू स्कोर देख लेते हैं। आज का सीपीयू स्कोर ये रहा 26 अप्रैल का और इसके पहले का स्कोर जो था 12 अप्रैल का वो देख लेते। सबसे पहले तो सिंगल कोर का स्कोर था 1737 और मल्टी कोर का 4562 और आज का स्कोर है 1748 और 4652, तो यहाँ पे सिमिलर ही है, कुछ फर्क नहीं है, 19-20 का फर्क होता है, तो यहाँ पे आपको टेंशन नहीं लेना है। और 12 अप्रैल का जो मेटल स्कोर था या जीपीयू स्कोर था वो था 12831 और आज का जो स्कोर है वो 13006 है, तो यहाँ पे परफॉर्मेंस प्लस की तरफ ही है, तो छोड़ दो इसको। और ज्यादा ही कुछ बढ़ जाता तब हम बात करते हैं या बहुत कम हो जाता तब हम बात करते हैं, यहाँ पे मतलब टेंशन लेना नहीं है आपको, सब चीजें ओके। तो बस दोस्तों यही कहानी थी, छोटा सा वीडियो था iOS 16.5 डेवलपर बेटा 3 का, लेकिन 16.5 का जो फाइनल स्टेबल वर्जन आएगा उसमें सारे फीचर्स मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, वो वीडियो ऑब्वियसली लंबी होगी, लेकिन ये वीडियो में क्योंकि यहाँ पे कुछ ज्यादा फीचर्स आए नहीं, बस माइनर बग फिक्सेस है, तो यहाँ पे इसलिए मैंने शॉर्ट में आपको जो है वीडियो में एक्सप्लेन सारी चीजें कर दी। उम्मीद करता दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आएगा, पसंद आए वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। गुड बाय।